मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल के अंदर अपने पेशेंट की कंडीशन को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। डॉक्टर का नाम डॉक्टर वीवर है। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी और उसे तभी अंदर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और अंदर जाने पर वो अपने गार्ड्स और बहुत सारे डॉक्टर्स को मरा हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि ये उसके पेशेंट ने किया है और अब वक्त आ गया है कि इस कैंसर को जड़ से खत्म कर दिया जाए। सो गाइस, ये कैंसर क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें कुछ साल आगे ले जाया जाता है जहाँ मेडिसिन नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ एक घर में रहा करती थी। मेडिसिन के पहले दो बच्चे पैदा होने के साथ ही मर गए थे, जिस बात से वो काफी डिप्रेशन में रहा करती थी। उसका पति भी अब शराबी हो गया था और उसका नेचर बहुत वायलेंट किस्म का हो गया था, इसलिए वो मेडिसिन पर हाथ भी उठाया करता था। मेडिसिन काफी परेशान रहती थी और इसलिए एक दिन उसने डिवोर्स लेने का भी मन बनाया था, लेकिन अगले दिन ही उसे अपने प्रेग्नेंट होने का पता चल जाता है, जिस वजह से वो मैरिज कंटिन्यू ही रखती है। फिर एक दिन मेडिसिन और उसके पति रूम के अंदर होने वाली बेबी के बारे में बातें करते हैं, जहां मेडिसिन डिप्रेशन की वजह से भूल जाती है कि उसके हस्बैंड की वजह से पहले दो बच्चे मारे गए। अब ये सुनकर उसके हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बीवी को धक्का दे मारता है, जिससे मेडिसिन दीवार पर टकरा जाती है और उसके सिर की बीच वाली साइड पर ब्लीडिंग होने लगती है। उसके हस्बैंड को अपनी गलती तुरंत रियलाइज होती है और वो सॉरी बोलकर नीचे से दवाई लेने जाता है, लेकिन अब मेडिसिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके जाते ही खुद को रूम में बंद कर लेती है और उसके हस्बैंड के कहने पर भी रूम अंदर से नहीं खोलती। अब रात में उसका हस्बैंड नीचे जाकर सो जाता है और मेडिसिन अपने कमरे में सोती है। नीचे सोफे पर सोते समय उसके हस्बैंड को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वहां आसपास सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें भी अपने आप जलनी बंद हो जानी शुरू हो जाती हैं। वो आवाजों का पीछा करता है और एक जगह पर जाकर किसी शख्स को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो इंसान उसे बेरहमी से मार डालता है। अब तभी अपने कमरे में मेडिसिन को ये सब सोते समय दिखाई दे रहा था। वो तुरंत उठकर नीचे अपने हस्बैंड को देखने जाती है और उसे मरा हुआ देखती है। अब वो अनजान शख्स उसका भी पीछा करता है और मेडिसिन उससे भागते भागते अपने रूम की तरफ जाती है और गेट लगा लेती है, लेकिन वो अनजान आदमी वहां भी आ जाता है और मेडिसिन वहीं बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन पुलिस आती है जहां वो क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है। मेडिसिन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वहाँ उसकी सिडनी नाम की बहन आकर उसको संभालती है। उसका इस बार फिर से बच्चा मर गया था, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव केकुआ शाह और उसके साथ ही रेजीना मॉस कर रहे थे। वो उसके हस्बैंड की फॉरेंसिक भी करवाती है और उसे ऐसा लगता है मानो इंसान पंखे पर चढ़ा हुआ था और हाथ उल्टे करके उसने उसका गला मोड़ा है। इन सबसे उनको कुछ लीड नहीं मिल पाती है इस केस में। अब दो हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मेडिसिन फिर अपने घर आने लगती है, जहां पर अभी भी वो अपने बेबी को खोने के गम में थी। उसकी बहन उसे संभाल कर उसको घर में छोड़कर चली जाती है। वहीं रात को अब फिर से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और मेडिसिन समझ जाती है कि यहां किसी डेविल का आतंक है और वो तुरंत अपने घर के सभी दरवाजों को बंद करने लगती है ताकि डेविल अंदर ना आ पाए। अब अगली सुबह वो उसका परमानेंट इलाज करने के लिए अपने घर की सभी दरवाजों को कील लगाकर बंद कर देती है। अब थोड़ी देर बाद उसकी बहन सिडनी उससे मिलने आती है, लेकिन उसे सीढ़ी से चढ़कर विंडो के थ्रू आना पड़ता है। मेडिसिन उसे उस दीवार को दिखाती है जहां पर उसके हस्बैंड ने उसे धक्का मारा था। वो दोनों फिर बातें करते हैं, जहां मेडिसिन उसे एक बात बताती है कि वो एक ब्लड रिलेशन चाहती थी क्योंकि वो खुद एक अडॉप्टेड लड़की है। डैट मीन्स जब वो बच्ची थी तब सिडनी की मॉम डैट ने उसे एक हॉस्पिटल से अडॉप्ट किया था और उससे पहले मेडिसिन के साथ क्या हुआ था, उसकी क्या लाइफ थी, उसे कुछ भी नहीं याद है। उसकी बायोलॉजिकल मॉम भी मेडिसिन के जन्म के साथ ही मर गई थी। फिर वहीं पर रात को हमें एक टूरिस्ट गाइड को दिखाते हैं जो एक सुरंग के अंदर की जानकारी कुछ टूरिस्ट को दे रहे थी, और काम खत्म होने पर जब वो अपने घर जाने लगती है तो एक अनजान शख्स उसे आकर अपने साथ ले जाता है और उसे एक कमरे में ले जाकर बांध देता है। वो उसे रेडियो के माध्यम से कहता है कि मैंने इस लम्हे का बहुत सालों से इंतजार किया है और अब मैं डॉक्टर वीवर को मार डालूंगा। वो सीधे डॉक्टर वीवर को कॉल करता है और कहता है कि वक्त आ गया है इस कैंसर को जड़ से खत्म करने का। डॉक्टर वीवर समझ जाती हैं कि ये कौन है और वो डर जाती हैं। डॉक्टर वीवर अपने सालों पहले की पेशेंट फाइल देखती हैं और उनमें से एमिली नाम की लड़की की फाइल चेक करती है। वहीं दूसरी तरफ रात को मेडिसिन अपने आसपास की लाइट्स को फ्लिकरिंग करता हुआ महसूस करती है और उसके बैक में जो भी चोट लगी होती है वहां पर दर्द होने लगता है। वो कुछ
समझ नहीं पाती और तुरंत उसके आसपास की जगह टेलीपोर्ट सी होने लगती है एंड वो अपने आप को डॉक्टर वीवर के पास पाती है। वहीं वो अनजान आदमी डॉक्टर वीवर को उसकी एक ट्रॉफी देकर उसे बहरहमी से मार डालता है और ये सब मेडिसन भी अपनी आंखों से देख रही होती है। वो तुरंत डर कर आके खोलती है तो वो अपने आप को अपने घर के अंदर ही पाती है। अब अगले दिन पुलिस को डॉक्टर वीवर के मर्डर की खबर जाती है और वो वही दोनों डिटेक्टिव अब वहाँ चेक करने जाते हैं। वहाँ जांच पड़ताल के दौरान डॉक्टर के काओ को एमिली नाम की बच्ची की तस्वीर दिखती है जिसे वो अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाता है। वहीं वो अनजान आदमी उस ट्रॉफी को यानी मर्डर वीपन को और भी ज्यादा शार्पन करता है और अपने अगले शिकार के लिए रेडी होने लगता है। वहीं अब सिडनी अपनी बहन मेडिसन के पास आती है जहाँ मेडिसन कल रात की हुई सारी घटना उसे बताती है और कहती है कि मैंने कल रात को ही डॉक्टर वीवर का मर्डर होते हुए देख लिया था। वहीं अब पुलिस स्टेशन में एमिली की तस्वीर को एक ड्राइंग आर्टिस्ट को दिखाया जाता है और उसे उसके 30 साल बाद के फ्यूचर को बनवाया जाता है यानी एमिली 30 साल बाद कैसी दिखेगी उसकी तस्वीर बनाई जाती है। वहीं रात को अब हमें एक और डॉक्टर को दिखाया जाता है। ये डॉक्टर वीवर के साथ ही पहले काम किया करता था। वो डेली रूटीन की तरह अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और वहीं दूसरी तरफ मेडिसन को फिर से अपने आसपास की लाइट्स फ्लिकर करती दिखाई देती हैं और वो टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर के बगल में आ पहुंचती है। वो फिर उसी अनजान आदमी को देखती है जो उसके पीछे से उसके सामने आता है और उसी मर्डर वेपन से डॉक्टर को बहरहमी से मार डालता है। अब मेडिसन ये देखकर जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने के साथ ही उसकी आँख खुलती है और सिडनी भी अपनी बहन के पास आकर तुरंत उसे संभालती है। वो दोनों फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ सिडनी अपनी बहन का देखा हुआ ये सपना उन्हें बताती है। डिटेक्टिव केकुआ और रेजिना उसकी बातों पर यकीन नहीं करते लेकिन मेडिसन उसे क्राइम सीन की लोकेशन भी बताती है कि कल रात को जो सपना था वो उस लोकेशन पर था। अब पुलिस वहाँ जाने का डिसाइड करती है क्योंकि अगर सच में उन्हें किसी डॉक्टर की वहाँ पर लाश मिलती है तो ये साबित हो जाएगा कि मेडिसन सब सच बोल रही है। अब पूरी टीम उसी लोकेशन पर पहुँचती है और डॉक्टर के अपार्टमेंट के अंदर जाने पर उन्हें उसी वे में बहरहमी से मरा हुआ डॉक्टर दिखाई देता है। वो लोग मेडिसन से उस अनजान आदमी का चेहरा भी बनवाते हैं जो एक डेविल जैसा दिख रहा था। सिडनी डिटेक्टिव से बात करने जाती है और वहीं मेडिसन वॉशरूम में जाती है जहां उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो अननोन नंबर उसी अनजान आदमी का था और वो कॉल पर मेडिसन को एमिली नाम से पुकारता है। वो कहता है कि मेडिसन नाम तो तुम्हारे फेक पेरेंट्स ने तुम्हें दिया था, बर्थ नाम तो तुम्हारा एमिली ही है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही हूँ और जिन जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है मैं उन सबको एक एक करके मार दूंगा। वो अपना नाम उसे गैब्रियल बताता है और फोन कट कर देता है। गैब्रियल नाम सुनकर उसे कुछ याद नहीं आता लेकिन उसे इतना जरूर लगता है कि ये मेरे पास से कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर रखता है। इसलिए अब वो सिडनी को लेकर सीधे अपनी मॉम के पास जाने का डिसाइड करती है। वहीं डिटेक्टिव केकुआ को 30 साल आगे की ड्राइंग आर्टिस्ट से मिल जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि मेडिसन ही थी। यानी उसे भी पता चल जाता है कि मेडिसन ही एमिली है। वहीं मेडिसन अपनी मॉम के पास जाती है जहाँ वो उनसे पूछती है कि ये गैब्रियल कौन है। गैब्रियल नाम सुनते ही उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और फिर उसे उसके बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाती है और उन वीडियोस में मेडिसन अपने बचपन में अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम उसने गैब्रियल दिया था उससे बातें किया करती थी। वो हमेशा गैब्रियल से बातें करती रहती थी लेकिन जब से सिडनी पैदा हुई तब से मेडिसन को एक साथ ही एक दोस्त मिल गया अपने साथ खेलने को और धीरे धीरे मेडिसन गैब्रियल को भूल गई और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। वीडियो क्लिप के अंदर सिडनी जब पेट में थी तब का एक ऐसा सीन भी था जिसके अंदर मेडिसन गैब्रियल से ये कह रही थी कि बेबी को कुछ मत करो। वहीं पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव को डॉक्टर वीवर की वही रिकॉर्डिंग मिलती है जो वो अपनी पेशेंट की रिपोर्ट के बारे में किया करती थी। वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग को खोल कर देखता है। उसमें उसने एमिली यानी मेडिसन के बारे में बताया था कि एमिली को विजन्स आते हैं किसी डेविल के और वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल से बातें किया करती है। वहीं फिर उसे एक तस्वीर भी दिखती है जिसके अंदर डॉक्टर वीवर के आसपास दो डॉक्टर और खड़े थे जिनमें से एक डॉक्टर की तो मृत्यु हो गई है यानी अब दूसरे डॉक्टर की मृत्यु होने वाली है। वो तुरंत दूसरे डॉक्टर के अपार्टमेंट में उसे बचाने जाने लगता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन वहाँ वो डॉक्टर को मरा हुआ देखता है। चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ पर मेडिसिन भी खड़ी थी जो डिटेक्टिव केकुआ को भी देख पा रही थी लेकिन केकुआ उसे नहीं देख पा रहा था। वहीं तभी वो अनजान आदमी डिटेक्टिव के सामने आता है और उसको उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे मेडिसिन ने बनाया था। डिटेक्टिव उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो अनजान आदमी इतना ज्यादा तेज था कि उसे चकमा देकर वहाँ
वहाँ से निकल जाता है। उस अनजान आदमी का फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड था और उसकी बॉडी उल्टी थी, यानी उसका मुंह 180 डिग्री के एंगल में घूमा हुआ था। अब अगले दिन वो और रेजिना मेडिसन के घर जाकर एक हिप्नोसिस करने वाली लेडी को बुलाती है और मेडिसन को हिप्नोसिस करके उसे उसकी पुरानी यादों में ले जाया जाता है ताकि कुछ पास्ट का उसके बारे में उन्हें पता चल सके। अब वो अपनी यादों में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि वो गैब्रियल नाम के इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही है। गैब्रियल उसका बुरा फ्रेंड था और हर बार उसे कुछ गलत करने के लिए कहता था। एक दिन उसने एक केक को बिगड़वा दिया था और उसकी डांट भी मेडिसन को ही पड़ी थी, जिस वजह से रात को एक बार उदास होकर वो बैठ गई थी। लेकिन फिर गैब्रियल उससे बात करने लगा था और उसने कहा कि तुम अपनी मॉम को एक सरप्राइज दो, तुम चाकू से इस केक को काट डालो। और मेडिसन जब ऐसा करने लगती है तो एकदम उसे होश आ जाता है और वो देखती है कि वो चाकू से अपनी मॉम को मारने जा रही थी। असल में उसकी मॉम के पेट के अंदर सिडनी थी और गैब्रियल नहीं चाहता था कि मेडिसन की लाइफ में कोई और आए, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेडिसन की लाइफ में कोई और आया तो मेडिसन गैब्रियल को भूल जाएगी। और फिर कुछ दिन बाद जब सिडनी आई तब दोनों बहनों में इतना प्यार और लगाव हो गया कि मेडिसन गैब्रियल को हमेशा के लिए भूल गई। अब मेडिसन अपनी पुरानी यादों को फिर से जी कर बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं हमें उस टूरिस्ट गाइड को दिखाया जाता है जो अभी भी एक कमरे में बंदी बनी हुई थी, लेकिन अब वो कई कोशिशों के बाद वहाँ से छूट जाती है और आगे जैसे ही वो बढ़ने लगती है वहाँ की लकड़ी की फ्लोर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वहीं मेडिसन को होश में लाया जाता है, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता वही टूरिस्ट गाइड उनके सामने आकर गिरती है। यानी वो टूरिस्ट गाइड मेडिसन की ही छत पर बंदी हुई थी और मेडिसन की नाक के नीचे से ये सब काम हो रहा था। फिर जब वो लोग ऊपर जाकर चेक करते हैं तो वो अनजान आदमी के पैर बिल्कुल मेडिसन के ही साइज के थे और वहाँ उन्हें मर्डर वेपन भी मिलता है। अब पुलिस मेडिसन को ही दोषी समझ रही थी और वो उससे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये एक मेंटल केस है और डबल पर्सनैलिटी के कारण ही गैब्रियल बनकर लोगों को मेडिसन मार देती है। जब मेडिसन से पूछताछ हो रही थी तब मेडिसन इस एलिगेशन को झूठा भी कहती है और बहुत गुस्सा भी होती है और जैसे जैसे वो गुस्सा कर रही थी वैसे वैसे वहाँ की लाइट्स फटती जा रही थी। वहीं पर उन्हें तुरंत एक अननोन नंबर से कॉल आती है और डिटेक्टिव उसे अटेंड करता है। वो कॉल गैब्रियल ने किया था और गैब्रियल उसे कहता है कि जो मर्डर वेपर्स तुमने मेरे लिए हैं मुझे इनकी फिर से जरूरत है और तुम मुझे उन्हें वापस दे दो। डिटेक्टिव पूछता है कि तुम आखिर में हो कौन, जिस पर गैब्रियल एक एविल स्माइल देता है और कहता है कि मैं इसका इमेजिनरी फ्रेंड हूँ और ये मुझे डेविल कहकर पुकारती है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी उस हॉस्पिटल में जाने का डिसाइड करती है जहाँ से मेडिसन को अडॉप्ट किया गया था। वहाँ जाकर वो मेडिसन की फाइल देखती है और बहुत सारी वीडियो टेप्स उठाकर अपने घर ले आती है जहाँ उसे अब सब कुछ समझ आ जाता है। डॉक्टर वीवर रिकॉर्डिंग में बताती है कि मेडिसन की बायोलॉजिकल मॉम का 15 साल की उम्र में रेप हुआ था और मेडिसन उसी से पैदा हुई थी। मेडिसन की मॉम को ट्विंस बच्चे होने वाले थे लेकिन कुछ डिसऑर्डर के कारण वो दोनों बच्चे एक ही शरीर में जुड़ गए। एमिली नाम की लड़की का पूरा शरीर और पूरा दिमाग नॉर्मल था लेकिन उसका भाई उसके साथ बैग में जुड़ा हुआ था। उसका भाई डिफॉर्म फेस वाला और खुद का अपना दिमाग रखने वाला था। वहाँ डॉक्टर वीवर उसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करती थी उसके बारे में स्टडी करने के लिए, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट से एमिली सही होने की बजाय और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है क्योंकि इन सब से गैब्रियल के पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को कंट्रोल करने की शक्ति आ गई थी। गैब्रियल एक पैरासाइट ट्विन की तरह है जो एमिली की बॉडी में चिपका हुआ है। अब जब उसने कई डॉक्टर्स को मार दिया था अपनी इस एबिलिटी की वजह से, तब डॉक्टर वीवर ने इस कैंसर को जड़ से खत्म करने का डिसाइड किया और उन्होंने गैब्रियल को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। गैब्रियल को अगर पूरी तरह से अलग करते तो एमिली भी मर सकती थी, इसलिए गैब्रियल का थोड़ा माइंड पोर्शन बॉडी के अंदर ही रहने दिया और बाहर से उसको पूरी तरह से टाके लगाकर सील दिया गया। लेकिन अब प्रेजेंट में जब मेडिसन के हस्बैंड ने मेडिसन को धक्का दे मारा था तो उसका सिर दीवार से जा टकरा गया और ब्लीडिंग होने लगी, यानी उस धक्के से उसके टाके फिर से हट गए थे और अब गैब्रियल फिर से वापस आ चुका था और वो अब मेडिसन के ब्रेन को कंट्रोल करने लगा था। यानी कि मेडिसन की ही बॉडी को कंट्रोल किया करता था और उसी की बॉडी को यूज करके मर्डर करता था। वहीं अब ये सब बातें सिडनी फोन करके डिटेक्टिव को बताती है लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं मेडिसन जो एक मेंटल सेल के अंदर बंद थी वहाँ बाकी लड़कियाँ उसे परेशान करने लगती हैं और उसे खूब मारती पीटती भी हैं। अब इन सब से गैब्रियल फिर से जाग जाता है और वो मेडिसन की बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर वहीं सभी
सभी लड़कियों को मार डालता है। और सेल से बाहर निकलकर सबसे पहले अपने मर्डर वेपन्स हासिल करता है और पुलिस वालों को मारने लगता है। वहीं अब जल्दी से दोनों डिटेक्टिव ही पहुंचते हैं, लेकिन वो भी गैब्रियल का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। उन्हें भी अब गैब्रियल और मेडिसन को एक साथ में देखकर सब समझ आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा था। वो उससे फाइट करते करते बहुत घायल हो जाते हैं और अब गैब्रियल सीधा उस हॉस्पिटल में जाने लगता है जहाँ उसकी और एमिली की बायोलॉजिकल मॉम थी। यानी एमिली की बायोलॉजिकल मॉम अभी भी जिंदा थी और उनसे उनके मरने का झूठ बोला गया था। सिडनी, जिसको ये भी पता चल गया था, वो सीधे एमिली की रियल मॉम से मिलने जाती है, जहां एक गार्ड उसे अंदर जाने से रोकने लगता है। लेकिन तभी गार्ड के हार्ट में लगा पेसमैक वहीं पर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। डेट मीन्स गैब्रियल अब वहां पर पहुंच चुका था और वो सीधे सिडनी पर अटैक करता है। वहां डिटेक्टिव केकुआ भी आकर गैब्रियल को 2 गोली शूट करता है, लेकिन गैब्रियल का इससे कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा खुद डिटेक्टिव और ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं अब गैब्रियल सिडनी को मारने के लिए उस पर गन शूट करने लगता है। सिडनी अब उसे कहती है कि मेडिसन होश में आओ, ये तुम्हारी बॉडी है और तुम्हारा ब्रेन है। गैब्रियल ने ही तुम्हारे पिछले 3 बच्चों को मार डाला था, क्योंकि गैब्रियल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत थी। यही वो हत्यारा है जिसने तुम्हारी लाइफ बर्बाद की है। अब मेडिसन होश में आने लगती है, लेकिन गैब्रियल फिर से कंट्रोल अपने हाथ में लेकर सिडनी को शूट कर ही देता है और फिर अपनी मॉम के पास कर उन्हें भी मारने लगता है। उसकी मॉम उसे समझाती भी है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा और तुम मेरे बेटे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अब गैब्रियल कुछ भी नहीं सुनता और वो अपनी माँ को भी मार डालता है। लेकिन उन्हें मारते हुए वो जैसे पहले मेडिसन टेलीपोर्ट हुआ करती थी, इस बार गैब्रियल टेलीपोर्ट होने लगता है और वो माइंड के अंदर पहुँचने लगता है। यानी अब मेडिसन ने अपने ब्रेन पर पूरा कंट्रोल पा लिया था और अब वो गैब्रियल से कहती है कि जैसे पहले तुम मुझे कंट्रोल करते थे, वैसे ही अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी और अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा के लिए इस कैद में बंद रहोगे। वो अपने माइंड के अंदर ही एक मजबूत प्रिजन क्रिएट करती है और उसे हमेशा के लिए वहां पर बंद कर देती है। और ये सीन अब वहीं पर मुड़ जाता है जहां पर गैब्रियल सिडनी को मारने वाला था, लेकिन इस बार मेडिसन होश में आ गई थी, इसलिए वो अपनी बहन को संभालती है और इमोशनल होकर उससे बातें करती है। मैं हमेशा से अपना कोई ब्लड रिलेशन ढूंढना चाहती थी ताकि मैं भी किसी अपने को महसूस कर पाऊं, लेकिन अब मैंने जाना कि ब्लड सेम होने से ज्यादा रिश्तों के अंदर प्यार और लगाव होना जरूरी है, जो मुझे सिडनी से मिला। और इसी इमोशनल टॉक के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।